good morning students how are you i hope you all are fine students today we are doing last part of chapter 3rd so please open your book and look at page number 28 so our first topic is inserting a new field first of all there is a table you have a table विद फोर और फाइव फील्ड्स आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर फोर या फाइव फील्ड्स हैं आप क्या करना चाहते हो उस टेबल के अंदर आपको कोई भी न्यू फील्ड ऐड करना है तो आप कैसे करोगे देखो न्यू फील्ड ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टेप वन ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू डिज़ाइन व्यू में टेबल को ओपन करूँ क्लिक ऑन द फील्ड बिफोर द न्यू फील्ड इज़ टू बी एडिड ये देखो इस टेबल में क्या है आपके पास एनरोलमेंट नंबर नेम ऑफ द स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ course, फी पेड ये आपके पास फील्ड नेम्स हैं आपको इसके अंदर क्या करना है एक नया फील्ड ऐड करना है तो सबसे पहले आपने टेबल को ओपन किया सेकेंड स्टेप आपको उस फील्ड को क्लिक मतलब उस फील्ड पे क्लिक करना है जिससे पहले आप क्या करना चाहते हो कोई न्यू फील्ड को ऐड करना चाहते हो इंसर्ट करना चाहते हो आफ्टर दैट क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब यहाँ जो डिज़ाइन टैब है इस पर क्लिक करो और डिज़ाइन टैब के बाद क्या होगा आपके पास आएगा इंसर्ट रोज उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो आपके पास नया फील्ड ओपन हो गया ये इंसर्ट हो गया था इंसर्ट होने के बाद आपको शो शोर है आफ्टर दैट सेव द टेबल आपने टेबल को सेव किया तो आपने यहाँ पे क्या ईयर कॉलम ईयर फील्ड ऐड किया इससे क्या हुआ इन सब स्टेप से आपने एक न्यू फील्ड अपनी टेबल में इंसर्ट कर लिया क्लिक आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग आ फील्ड नाम से ही क्लियर है डिलीटिंग अ फील्ड में हम क्या पढ़ेंगे कि हम किसी भी फील्ड को डिलीट कैसे कर सकते हैं बाय मिस्टेक आपने कुछ ऐड कर दिया या हमें नीड नहीं है उस फील्ड की तो आपको डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट अ फिल्ड फ्रॉम अ टेबल एक टेबल से आपको फिल्ड डिलीट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप ओपन द स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल इन डिज़ाइन व्यू जैसे इनमें एक स्टूडेंट नाम से टेबल है तो आपने उसको ओपन किया सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन द रो टू बी डिलीटिड आप उस रो पे क्लिक करो जिसको आपको डिलीट करना है नेक्स्ट क्लिक ऑन द डिलीट रोज बटन इन द डिज़ाइन टैब डिज़ाइन टैब पे क्या है वहाँ एक ऑप्शन है डिलीट रोज़ का आप उस पर क्लिक करोगे आपकी जो भी टेबल के अंदर रो होगी फील्ड होगा वो डिलीट हो जाएंगे और आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा देखो यहाँ पे डिलीट रोज़ लिखा हुआ है तो वो रो कंप्लीट आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी इस तरह से क्लियर सो नेक्स्ट इज चेक पॉइंट्स प्लीज़ ट्राई टू डू बाई योर सेल्फ अदरवाइज यू कैन मैच विद दिस ट्राई करना खुद से करने की और लास्ट में इससे मैच कर लेना ठीक है जो पीछे आपने किया उसकी रिवीजन है क्लियर फर्स्ट है इसके अंदर लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ का ट्राई करना खुद से करने का बिल्कुल इजी है नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग ऑफ फिल्च नाम से क्लियर है मूव मीन इफ यू वांट टू चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आपको कोई भी फील्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है उसका मतलब होता है कि मूव कर रहे हो आप तो मूविंग फील्ड मीन्स टू रीअरेंज ऑर्डर ऑफ फील्ड्स आपने किसी भी फील्ड को रीअरेंज कर दिया वन प्लेस से अनदर पे तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल यू कैन मूव यू कैन मूव द सेकेंड फील्ड टू फोर्थ एंड फिफ्थ फील्ड टू फर्स्ट मतलब किसी भी तरह से आपको उसकी पोजिशन चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको दी स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फर्स्ट ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू आपने अपने टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन किया क्लिक ऑन द रिकॉर्ड सेलेक्टर ऑफ द फील्ड नेम टू सेलेक्ट एंटायर फील्ड ये देखो इस तरह से फर्स्ट स्टेप किया आपने ये जो आपके पास रिकॉर्ड सेलेक्टर है आपने उसको सेलेक्ट किया बट आफ्टर क्लिक ऑन द रिकॉर्ड सेलेक्टर ऑफ द फील्ड नेम ऑफ द सेलेक्टेड फील्ड एंड विदाउट रिलीजिंग द आपने क्लिक किए रखने आपको अपने माउस को रिलीज नहीं करना एंड डाउन टू मूव द सेलेक्टेड फील्ड तो जहाँ पर भी आपको करना है उसको डाउन ले जाके वहीं पे मतलब माउस को आपको रिलीज नहीं करना जब तक वो डायरेक्टली मूव ना हो जाए तो द फील्ड इज मूव टू न्यू प्लेस इससे क्या होगा आपका जो फील्ड है न्यू प्लेस पे चेंज हो जाएगा जैसे इसमें ईयर था देखो उसको लास्ट में था उसको हमने क्या कर दिया थर्ड नंबर पे कर दिया तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वी कैन मूव फील्ड नेक्स्ट इज एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल एडिटिंग मीन आपको कुछ भी चेंज करना है आपने कुछ डाल दिया वो बाय मिस्टेक गलत हो गया या बाद में कुछ चेंज करना है इट मीन्स आपको एडिट करना है तो आप एक टेबल में रिकॉर्ड को एडिट कैसे करोगे सो इन दिस टेबल या इन द टेबल आ रिकॉर्ड कैन बी एडिटेड इन डाटा शीट व्यू डाटा शीट व्यू में आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकती हो। ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू आप ओपन करो एंड क्लिक ऑन द डाटा सेल यू वांट टू एडिट जिस डाटा सेल में आपको चेंज करना है मीन एडिट करना है आप उस पर क्लिक करोगी आपके कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं एरो कीज अप डाउन लेफ्ट राइट तो आप क्या करो उन कीज़ की हेल्प से मूव द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू चेंज डाटा जहाँ पे आपको डाटा को चेंज करना है वहाँ मूव करो जो भी न्यू डाटा है वो आप टाइप करो इससे आपका डाटा क्या हो सकता है मॉडिफाई हो सकता है एडिट हो सकता है क्लियर सो स्टूडेंट्स आवर थर्ड चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ सो प्लीज़ दिस अगेन आई एम सेंग दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड प्लीज़ डू एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन कंप्यूटर सिस्टम इफ़ यू हैव अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो प्लीज़ ट्राई करो आप इसको प्रैक्टिकल करने की बहुत जल्दी और बहुत इजी से आपको क्लियर हो जाएगा और वेरी इजी। लेकिन बट एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली बेस्ड सो फर्स्टली डू प्रैक्टिकल सेकेंडली ट्राई टू डू एक्सरसाइज बाय योर सो थैंक यू क्लास